Hello, salam, namaste, sat sri akal and copy to all. This is Inter Urban KG and welcome to my YouTube channel. तो जी ये है वीडियो हिंदी में. आपने देख ही लिया होगा कि गोरिल्ला पॉट पड़े हैं जो भी के मेरे पास. सो ऑब्वियसली मैं इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ. तो हम करने क्या वाले हैं आज के वीडियो में इसको अनबॉक्स करेंगे इन दोनों को और उसके बाद डिस्कस करेंगे ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज हो सकते हैं और किसके लिए ये फ़ायदेमंद है. सो चले लेट्स गेट ऑन टू इट. चलो जी पहले लेते हैं इसको जो भी गोरिल्ला पैट 3K किट को. दिस इज़ द 3K1 और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है. पेपर वर्क स्टैंड है शायद इसका और ये रहा आपका गोरिल्ला पॉट. तो इनको रखते हैं थोड़ा साइड में और इसके अंदर जी और तो कुछ है नहीं. तो जी अनबॉक्सिंग तो हो गई फटाफट. इसके बाद अब बात करते हैं इस जोबी के ट्राईपॉड की. ये है गोरिल्ला पॉड 3K. इसका मतलब ये 3 किलो तक का सामान आराम से उठा सकता है. सो कोई भी कैमरा जो आपके पास है जिसके पास 1x4 स्क्रू 1x8 कोई भी स्क्रू हो वो इस पर हो जाएगा स्क्रू. द ओनली थिंग इज हो सकता है कि आपके कैमरे का नीचे का स्क्रू बड़ा हो तो ये अडाप्टर्स मिलते हैं तो आप ये अडाप्टर्स ले लो. बहुत सस्ते आते हैं कहीं से मिल जाते हैं एंड इट विल वर्क फाइन. नहीं तो इसमें ये स्लाइडर भी है. जस्ट कई कैमरा स्लाइड हो जाते हैं तो आप आराम से स्लाइड भी कर सकते हो. दूसरा इसका बेस्ट पार्ट है कि ये टिल्ट फंक्शन है तो आप अपना ऐसे कर लो चाहे ऐसे करके रख लो. आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको निकालो. हर बार तो वीडियो शूट करने नहीं होते हैं. अब बैठे हो घर पर आपको लैपटॉप प्लेट है प्लेट स्क्रू हो जाएगी 1x2 1x8 स्क्रू के साथ. तो इसकी यूटिलिटी बहुत है. सेल्फी के लिए बहुत अच्छा है. आर्म बहुत बड़ी नहीं है बट इसकी क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप इसको इस टिल्ट एंगल पर रखो और ये हो गया आपका सेल्फी स्टिक और सेल्फी वीडियोग्राफी तैयार. इससे पहले मैंने यूज़ किया था ये इसका छोटा भाई नकली. इसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है इनकी क्वालिटी कम होती है ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. यू नो इफ़ यू सी दिस और इसके बॉल हेड और इसके बॉल हेड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अगर आप इवन ये जो लाइट है इस वक्त ये लाइट मेरे ख्याल से 100-200 ग्राम की है इसको भी हैंडल करने में इसको दिक्कत है. एज़ फार एज़ इसकी फॉर अ रेफरेंस ऑफ द हाइट मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ. ये है ट्राईपॉड. अब इस ट्राईपॉड को तो लेके आप हर जगह जा नहीं सकते. तो मेरे हिसाब से दिस इज़ मस्ट बाय चाहे आप फैमिली वीडियो बना रहे हो. थोड़ा महंगा है. इंडिया में 5400 रुपये का था लास्ट व्हेन आई चेक्ड. US वगैरह में आपको $2,500 $50 $25 $20 का डिफरेंट टाइम सेल पे मिल जाता है. इट्स नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम. मैं तो एडवाइस करूँगा अगर आपका कोई दोस्त वोस्त US वगैरह से आ रहा है तो आप उससे मंगा लो आराम से बैग में डाल दे. सीम्स दैट इट इज़ जस्ट 100 grams और सो. इट विल पॉप अप इन द स्क्रीन. पर मेरे हिसाब से इसको आप कई जगह लगा सकते हो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो. ऊपर आ रहा होगा कि किस किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज़ आई थिंक अ मस्ट बाय. जहाँ पे आप ट्राईपॉड नहीं ले जा सकते बस इसको वहाँ लगाओ और अपनी शूटिंग करो मस्त. कोई दिक्कत नहीं. लैपटॉप स्टैंड की तरह यूज़ करो. 3 किलो तक का कैमरा आ जाता है इसका मतलब सारे DSLR इस पर चले जाएंगे. सो ऑल गुड. चलें जी अब सेकेंड वाले की अनबॉक्सिंग भी कर लें. पहले की तो हो गई इसको रखते हैं नीचे. और ये है जोबी सक्शन कप गोरिल्ला पॉट. अब इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हो. आपने देखा होगा कई लोग ये साइड में आप गाड़ी के इस तरफ करके बात कर रहे होते हैं आगे लगा के बात कर रहे होते हैं. ये काम आएगा वहाँ. पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग फिर करेंगे इसके बारे में बात. तो जी ये रहा ये. एक ही आता है सक्शन पैड इसका और दूसरा इन्होंने जी दे रखा है इसका. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब आप एक्शन कैमरा लेते हो ज़्यादातर जो एक्शन कैमरा होते हैं उनके आगे उनका जो माउंटिंग पोर्ट होता है वो ऐसा ही होता है. और तीसरा है इसका ये स्क्रू जिसको आप इसके ऊपर स्क्रू कर सकते हो
इसके ऊपर अगेन कोई भी कैमरा जो जिसके ऊपर स्क्रू आप उसे भी लगा सकते हो, और इन्होंने ये भी दे रखा है फॉर एक्शन कैमरा, क्योंकि ज़्यादातर ये गाड़ी में यूज़ होने के लिए है। तो आप इसको ऐसे लगाओ और गाड़ी की खिड़की पे, और ये हो गया आपका कैमरा सेट। आप ऐसे करके आराम से बात करते रहो कैमरा में, करते रहो अपनी गाड़ी ड्राइव। ये ले आया मैं अपना DJI Osmo। अब इसको इसके साथ कर देते हैं आराम से स्क्रू। ये हो गया स्क्रू एक मिनट में। अब ये मान लो जी है हमारी गाड़ी, आपने इसको लगा दिया ऐसे और अपना मस्त करी शूटिंग और करते रहे कैमरा से बात। दूसरा ये कई बार सामने माउंट करना होता है तो आप इसको ऐसे स्क्रीन पे लगा के सामने माउंट कर सकते हो। अगर आपको टॉकिंग हेड वीडियो लेने हैं, मान लो कि आपको कुछ रिव्यू करना है, तो इस कैमरे को लगाओ यहाँ, जो भी आपको रिव्यू करना है कि चलो जी इसको रिव्यू करना है इसको रिव्यू करते रहो, वो एंगल भी आपका आ जाता है जी। लगाना इसको है बड़ा सा सिंपल। इस वक्त मेरे पास और कोई प्लेन सरफेस तो है नहीं, बस ये टेबल है। आप इस टेबल को बस जहाँ भी लगा रहे हो थोड़ा साफ करो इसको। जैसे ही आप उसके ऊपर रखोगे ये हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट अभी भी थोड़ा सा तो उस पर ट्रैक्शन आ गया, पर आपको करना कुछ नहीं है। ये जो पर्टिकुलर थिंग है इसको घुमा दो, ये हो गया जी फिक्स। अब इसको करते रहो कुछ भी, एंड इट्स रियली रियली स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। एक चीज़ और फ़ायदे की हो गई, क्योंकि इसके साथ ये वाला माउंट आ गया है, तो अब मैं इसको इस पर भी माउंट कर सकता हूँ, क्योंकि एक्शन कैमरास में ये स्क्रू माउंट जनरली नहीं होता, Osmo एक्शन में नहीं था। तो अब आप देख लो जी सेल्फी सेटअप, थोड़ा वीडियो भी डाल के दिखा देते हैं, थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आपको। ये आ रहा है वीडियो अब इसमें से, ऐसे डालो कैसे डालो, जैसे आपका मन आए वैसे अपनी वीडियो बनाते रहो। ये ऊपर जो वीडियो चल रही है इस वीडियो के, ये है जो भी से आई हुई। इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट, मैंने अभी चेक नहीं किया है ये कितने इसका वेट कितना है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि इसका वेट मेरे ख्याल से 100-150 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। लेट्स चेक एंड वील गेट टू नो। तो दैट्स अबाउट इट, इसको रोक देते हैं बोल के स्टॉप रिकॉर्डिंग। लास्ट आई चेक दिस वॉज नॉट अवेलेबल ऑन Amazon इंडिया, पर अगेन बाहर की कंट्रीज़ में ये 2,500-2,500 रुपये का आपको मिल जाता है। अगर आप इंडिया से ही खरीदोगे तो आई थिंक बोथ ऑफ देम विल कॉस्ट यू अराउंड 7,000-8,000। बट द थिंग इज़ अगर आपके पास एक कैमरा है जिसकी कीमत लाखों में है, तो मेरे हिसाब से दीज एसेसरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे मेक योर लाइफ सो ईजियर अगर आप अकेला शूट कर रहे हैं। तो आई विल एडवाइस बाइंग दैम। सो दैट्स अबाउट इट। इन दिस चैनल आई शेयर माई रिव्यूज, माई वीलॉग्स, एज वेल एज माई एक्सपीरियंसिस विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप आगे भी ऐसे वीडियोस से जुड़ा रहना चाहते हो, तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन, आपको पता तो है ही, एंड द शेयर बटन। और लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस।